हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका अपना भाई यश चौधरी, बहुत अच्छी वीडियो के साथ। भाई जान, हाँ भाई, भाई जान मैं पाकिस्तान से आया, मेरे चाचा जी यहाँ पर रहते हैं, वो उनका नंबर मिसिंग जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई जान, ये एड्रेस कहाँ मिलेगा, वो उनके घर पे जा रहा है। पाकिस्तान से आया हूँ। चल चल निकल। क्या हो गया भाई जान? तो गाइज आप सोच रहे होगे कि क्या हुआ है, तो गाइज आज हम कुछ ऐसे करने वाले हैं, वीडियो में रिएक्शन देखते हैं कि पाकिस्तान के गेस्ट हमारे यहाँ सेफ है या नहीं है, तो देखते हैं कि हमारे इंडियंस कैसे उनके लिए खड़े होते हैं। तो बने रहो वीडियो में, मिलते हैं वीडियो के बाद में। सो शेयर कर देना अगर पसंद आए तो, लाइक तो, भी करो, कमेंट्स भी करो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। भाई जान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। एक्चुअली मेरे चाचा के यहाँ पर चाचा रहते हैं द्वारका साइड में, तो के उनका नंबर हाँ। नहीं लग रहा, तो के वाला यहाँ पर मुझे छोड़ के चला गया, तो मुझे यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर पहचान नहीं पा रहा ना कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो मैं इस बारे आपसे ये एड्रेस बता दूँगी भाई जान कि कहाँ पर है। बड़ी मेहरबानी होगी भाई जान। ये द्वारका साइड में कहाँ है? कुछ बोला था, कहाँ से है भाई? पाकिस्तान से है भाई जान। क्या हो गया भाई जान, यहाँ क्या कर रहा है? मेरे चाचा रहते हैं भाई। क्या हुआ भाई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? ये पाकिस्तान से यार। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया भाई? वापसी भेजना, तुम्हें तो पता है ना। क्या पता भाई? यार ये तुम्हें तो पता ही यार क्या क्या चल रहा है आजकल इनको लेके ना। क्या चल रहा है भाई? क्या हो गया? चाचा रहते हैं भाई जान। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? वापसी भेजो। इंसान है भाई, इंसान है वो भी इंसान है, हम भी इंसान है भाई। तो भाई तुम्हें तो पता है यार, ये किसी के भी नहीं होते ना यार। तो ये पाकिस्तान भाई, हर एक किसी के नहीं होते भाई। हिंदुस्तान है हमारी, हमारा हिंदुस्तान ये नहीं कहता कि आप बाहर से आए हुए हमारे मेहमानों को आप उल्टा बोलो, आप नहीं बोल सकते भाई। क्या हो गया पाकिस्तान से? तो क्या हो गया भाई मेरे? चल बे, चल निकल भाई। भाई क्या यार, मना कर, क्या बात है भाई यार? क्या है, क्या परेशानी है तुझे? दिक्कत क्या है भाई तुम्हें? दिक्कत क्या है भाई? तुम तो मेरे अपने भाई हो, तुम उसके लिए खड़े हो। वो भी हमारा भाई है भाई, वो भी हमारा भाई है भाई। हां, अस्सलाम वालेकुम भाई जान। भाई जान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर मैं घूमने के लिए आया, यहाँ पर इंडिया में कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए। एक्चुअली मेरे चाचा तो ऑफिस गए हुए हैं, उन्होंने कहा आप तुम चले जाओ, तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज। अच्छा भाई जान, आप पाकिस्तान से? जी भाई जान। अच्छा भाई जान, एक्चुअली भाई जान घूमने के लिए अपना इधर लक्ष्मी नगर चले जाओ। कहाँ से है? जी भाई, पाकिस्तान से है भाई जान। मैं पाकिस्तान से। चल निकलो वापस। चल, क्या हो गया भाई जान? भाई क्या हो गया भाई? पाकिस्तान से। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? तो पाकिस्तान से आया तो भाई वापसी भेजो यार। क्यों भेजे भाई? क्या हो गया भाई जान? मेरी क्या गलती? क्या हो गया भाई? पूछ रहा था घूमने के लिए क्या क्या है यहाँ पे। क्या हो गया भाई? घुमा दूंगा तेरे को भाई। टूर एंड ट्रेवल्स में लग रहा है क्या? क्या घुमा देगा? चल चल निकल यार। कैसे भाई, तू यहीं खड़ा रहे? क्या हो गया? यहीं खड़ा मैं हूँ ना। क्या भाई, क्या भाई तू यार, तुम कैसे बिल्कुल तो भाई ही नहीं है अपना। भाई पाकिस्तान कब बना था? 1947 के बाद बंटवारा हुआ था ना, तभी तो ये उधर चले गए, अपन इधर रह गए, वरना अपन सेम ही तो होते। तो यार भाई अपना ही भाई रहता ना यार, ये अपना अगर ये बंटवारा नहीं होता तो अपन भाई भाई रहते ना। इधर चला गया तो क्या हो गया भाई? अब तो वो हमारा नहीं है ना, मैं तुम्हारा हूँ ना यार। मैं तुम्हारा हूँ ना, तुम भी मेरे अपने हो, ये भी भाई अपना है, सब अपने हैं। अरे मैं आ तो गया हूँ यहाँ पे, कहाँ हो आप? एक्सक्यूज मी भाई जान, अस्सलाम वालेकुम भाई जान। हेलो भाई जान, एक मिनट। हाँ हेलो भाई जान, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, थोड़ा सा मेरे चाचा यहाँ पर रहते हैं, मैं मिसिंग हो गया। ये एड्रेस उन्होंने लिखवाया था, ये आप बता सकते हो भाई जान कहाँ है ये एड्रेस? द्वारका से है, पाकिस्तान से भाई जान। चल निकल यहाँ। क्या हो गया भाई जान? चल वापसी। क्या हुआ भाई जान? अबे चल पाकिस्तान से आया ना, चल निकल। सर जी मैं पाकिस्तान से, मैं चाचा जी यहाँ पर रहते हैं, मैं अबे चल जाना। क्या एक मिनट, एड्रेस उन्होंने लिखवाया था, मैं एड्रेस पूछना था। अबे चल निकलना, निकल यार। एक मिनट, एक मिनट, मेरे पास जाना है, हमारे मिसिंग हो गया भाई। क्या हो गया भाई? बात नहीं, मेरी बात को समझ भाई। बेटा मैं भी दो दिन बाद पाकिस्तान गया हूँ, सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। एक बात को समझो, ये मुसलमान है, तुम हिंदू हो, मैं सरदार हूँ। क्या हो गया? एक मिनट बेटा, भगवान ने सबको पैदा किया था। हाँ। गुरबाणी में क्लियर लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंद। सही कह रहे सर बेटे, अभी अपनी उंगली काटूं, तुम्हारी काटूं, उसकी काटूं, खून अलग निकलेगा, कोई सबका निकलेगा। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुसलमान है क्या? उसने सिर पर टोपी पहन ली तो, या मैंने पगड़ी पहन ली तो, या तुमने नहीं पहनी? ये पाकिस्तान से हमारा भाई है ही नहीं बेटा, हम इंसान है। पाकिस्तान क्या है? आज एक लाइन खींची तो अलग हो गया, इंसान इंसान से अलग हो जाएगा? कभी नहीं। वो एड्रेस पूछ रहा है, उसको एड्रेस बताओ, कोई दिक्कत नहीं। वो जाके भी तुम्हें बताएगा अपने लोगों को कि देखो वहाँ पे कितने अच्छे बंदे रहते हैं। समझे बेटा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम भाई हैं। समझ गए बेटा, कोई लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना।
जी 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 अबे चल अब लेकिन क्या हो गया भाईजान, मैं आपकी बात समझ गया, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नहीं है नहीं, क्या हो गया भाईजान, क्यों ऐसे, क्या गलती हो गई भाईजान, यही नहीं आकर ना, अब चल क्या हो गया भाईजान, भाईजान क्या बात है बेटा, हैं क्या समझ नहीं आ रही तेरे को, कैसा है भाई तू ये, भाईजान मैं पाकिस्तान से हूं, भाईजान कहां से, पाकिस्तान से, चल निकल वापस, आ कैसे हैं, मेहमान आया, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे मेहमान के साथ ऐसे जुलूम हो गया क्या, तुम्हारे घर में मेहमान आते तो ऐसे करोगे, कमाल कर रहे हो आप, ऐसा बिहेव कर रहे हो, बताओ यार ये क्या, ये क्या जाके हमारा क्या नाम रोशन करेंगे इंडिया में, क्या बता, वहाँ पाकिस्तान में क्या बताएंगे, ये क्या बताएंगे, ऐसे होता है वहाँ पे इंडिया में, आप जैसे लोगों की वजह से हम लोग बदनाम है, आपके दोस्त यार आते तो आप ना? उनके साथ ऐसे करते हो, अरे मैंने खुद सेवा करी है, मैंने 40 साल, हाँ तो मुझे यहाँ पर उन्होंने बुलाया कि वो यहाँ पर आने वाले, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो यही अमिताभ पार्क है ना, तो बस वो आने वाले हैं, इस बारे में पूछा था ये अमिताभ पार्क होने चाहिए ना, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया, कुछ बोला मैंने सुना, कहाँ से आया भाईजान, मैं पाकिस्तान से आया भाईजान, चलने के लिए क्या हो गया भैया, आप कैसे वैसे चौरे में क्यों हो रहे हो, आपको तो समझना चाहिए वो पाकिस्तान से है तो क्या हो गया, उसमें वो इंसान नहीं है भैया, तुम्हें तो पता है ना क्या क्या चल रहा है आजकल भाई, तू जाए कुछ नहीं चल रहा भाई, वो पाकिस्तान से तो उनमें वो इंसान नहीं है, आप रिस्पेक्ट दोगे तभी तो आप उनके देश में जाओगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, दिमाग है तुम्हें नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कितनी सारी प्रॉब्लम होती है, पहले आप तो यार स्टार्ट तो करो, पहले आप उनको रिस्पेक्ट तो दो तभी तो वो आपको देंगे, ऐसे कैसे तुम उनको ऐसे बोलो, तमीज से बोलो यार, वो समझेगा भाई, चला कैसे नहीं समझेंगे, ऐसे कैसे आप उनको बोल रहे हो, कैसे बोल सकते हो, पाकिस्तान से आते तो क्या हो गया, वो इंसान नहीं पाकिस्तान से आए, साथ रह रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको रिस्पेक्ट तो दो तभी तो वो आपको भी देंगे, आप जाओ यहां से, बैठो भाई हमारे साथ ही, थैंक यू, बैठो भाई, शुक्रिया भाई, कुछ खाया कि नहीं भाई, खाया नहीं, नहीं कुछ खाया कि नहीं, नहीं भाई, नहीं नहीं, अरे भाई, अरे नहीं भाई, अरे लो यार, नहीं भाई, अरे कोई लो यार, लो खाओ, भैया आप कितने कब से वेट कर रहे हो, अभी आधे एक घंटे से वेट कर रहा हूं, जब तक आप हमारे साथ रहो, खाओ आएंगे तो आप चले जाना उनके साथ, कोई नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया, कोई डरने की बात नहीं, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं, हमें रेडी है भैया, कोई नहीं, आप खाओ, खाओ आराम जी भैया, खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया, आराम से बोलो, आराम से आए, कोई नहीं, जब तक आप हमारे साथ रहो भाई, फिर आ गया तू भाई, तुमने से यहाँ बिठा लिया यार, तो भाई क्या हो गया, भाई तुम अपनी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो यार, क्यों ना ले भाई, क्या दिक्कत है, आप में इंसानियत नाम की चीज नहीं, हम में भी ना हो यार, आप में इंसानियत नाम की चीज नहीं तो हम में भी ना हो, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, आप कभी उनके देश में जाओगे तो आप उनको रिस्पेक्ट दोगे तो वो बंदा याद रखेगा की देनी है तो वो भी देगा ना, आप पहले इनके साथ कभी सबसे पहला कोई शुरुआत नहीं करता, शुरुआत आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, दूसरों को बदनाम सोच रहे हो, नहीं यार मैं बदनाम नहीं कर रहा था, मैं तो उसे वापस जाने के लिए बोल रहा था, मैंने बस चलने के लिए, किसलिए जाए भाई, किसलिए जाए, क्या चाहे जाए, वो चला जाएगा जब उसके फैमिली वाले आएंगे, बोल जाना कोई किसी का वेट कर रहा है, बाहर से आया बंदा इसका मतलब चला जाए, वो किसी से मिल नहीं सकता क्या भाई, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है भाई, तुम बैठो आराम से, खाओ खाओ भाई, चाचा रहते हैं यहाँ पे, हमारे भाईजान थोड़ा सा आप दे। क्या हो गया भाई, ऐसा उसके लिए क्यों खड़े हो रहे हो यार, भाई, तो भाई मेहमान है वो हमारे देश का, बाहर हमारे देश में आया है, पाकिस्तान से आया कहीं से आया, तो देखो भाई मैं भगा के रहूंगा यार, ऐसे कैसे भगा दोगे भाई, ऐसे कैसे भगा दोगे भाई, कोई बात नहीं, अलग हटेगा जब भगा दूंगा मैं, हाथ लगा के दिखा देना भाई, तुम हम भी यही है, तुम भी यही, क्या मतलब है भाई, ये क्या बात है भाई, फालतू में तुम चढ़ रहे हो किसी के ऊपर, वो बाहर का बंदा है, तो बाहर का बंदा है तो उसके मतलब कुछ भी करोगे उसके साथ, क्या हो गया भाईजान, क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ, कोई नहीं यार, टेंशन ऐसा कुछ नहीं होता, हम चल रहे भाई, हम छोड़ के आएंगे तुम्हारे एड्रेस पे, कोई दिक्कत नहीं, अरे नहीं भाई चलो हम चल रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो हम चल, ठीक है भाई, कोई नहीं, शुक्रिया भाई, अरे नहीं भाई, भाई 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 हाथ लगाने आया था, नहीं नहीं यार नहीं लगा रहा यार, एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ है यार भाई, एक बार देखो तब से यही लगा हुआ है यार, मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब अगर कोई हमारे देश में बाहर से लोग आ जाते हैं तो उन्हें कैसा ट्रीट किया जाता है, तो ये हमारा इंडिया है, आप देख सकते हो कि मतलब ये मेरे भाई थे और मतलब यही के हैं और ये इनके लिए खड़े हो गए भाई, सीधी सी बात है यार, चाहे कोई भी हो कहीं का भी हो, है तो हमारे भाई यार, प्यार मोहब्बत सबसे मेन चीज है यार, सोच रखनी भी नहीं चाहिए यार, चेंज होना चाहिए, ये भी मोमडन है, मैं भी हिंदू हूँ, हम दो भाई भाई हैं, बचपन के हमारे यार दोस्त हैं, और हमारा इतना अच्छा याराना है, ये हमारे लिए मरता है, हम इसके लिए मरते हैं, ऐसे ही बिल्कुल भाई, तो बहुत अच्छा दिया है भाई ने आज, आप लोग देख रहे हो तो प्लीज दबा के शेयर करो, तो एकदम हाई कर दो भाई, हाय, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, ये है हमारा इंडिया, यस, पाकिस्तानी इंडियन कुछ नहीं होता, भाई भाई होता है बस, देश ही तो अलग अलग है, भाई भाई तो अपन है ही, ये भी तो इंसान है, ये भी तो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, अभी खड़ा हुआ क्या देखा, तेरी वजह से हम दोनों में लड़ाई हो रही है, चला क्यों नहीं जाते, कैसे चला जा भाई, कैसे चला जा, कैसे चला जा, क्या तू रुक भाई रुक, मैं बता, मैं लेके चलता हूँ तेरे को, कैसे कर देगा भाई, क्या सोचो उसके लिए, मुझसे लड़ रहा हो यार, मैं तो तुम्हारा अपना भाई हूं, मैं तेरे से लड़ नहीं रहा भाई, मैं तेरे से लड़ नहीं रहा,
मैं भाई ये पाकिस्तान से आया, अपना मेहमान है, अपने देश के अंदर कोई आ रहा है तो अपना मेहमान है वो, और अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करना अपना काम है। ये पाकिस्तान छोड़िए, कनाडा से आया होता है, अमेरिका से आया होता है, तो क्या इसकी मेहमान नवाजी नहीं करते अपन? नहीं ये करते भाई, करते हैं, करनी पड़ती है। अपना अपना अपन भारतीय है ना, अपना धर्म है यार, अपने मेहमान भगवान होता है, बिल्कुल ये भी भगवान है ना, तो क्या मतलब हुआ यार मुसलमान है तो, या क्या हो, क्या मतलब हुआ ये पाकिस्तान से? तो भाई मुसलमान से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पाकिस्तान से भाई। तो मैं ये बताओ, अपने मुसलमान है अगर ये पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में क्या मुस्लिम नहीं रहते? पाकिस्तान में क्या हिंदू नहीं रहते? सब रहते। अगर अपने साथ वो ये करेंगे, अब कल को भाई जी भाई बुरा मत मानना, कल को अगर अपन इनके देश में जाते हैं और ये अपने साथ अगर कुछ करेंगे, ये अपने कैसे ट्रीट करेंगे, अपने कैसे लगेगा? बहुत बुरा लगेगा यार, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो? ये आए हैं, इनको नहीं पता है भाई जान, इनको नहीं पता है भाई जान, अपन लेके चलते हैं, अपनी गाड़ी खड़ी है बाहर, अपन चलते हैं भाई जान। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है, भाई भाई होते हैं, हाथ मिलाओ यार भाई, ऐसे कैसे यार भाई। पैसे रखो और इधर आप इधर जाओगे ना जी, जैसे लेफ्ट हैंड मोड़ोगे ना सामने रेड लाइट है, आपको एक खाने की आराम से शॉप मिल जाएगी। और यहाँ पर चाचा जी ने बताया यहाँ पर कुतुब मीनार, लाल किला, अरे उधर ये यहाँ उतरोगे ना यहाँ रेड लाइट से सीधा आगे जाओगे ना जी जी भाई, वहीं आपको मेट्रो मिल जाएगी भाई। बहुत खूबसूरत है यार हमारा इंडिया जी जी, और जब तक आप जैसे भाई है तब तक तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार। सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कैमरा लगा हुआ है, मैं ये दिखा रहा था कि अगर कोई हमारे देश में पाकिस्तान से आता है तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं। ये मैसेज दे देता हूँ अपना, सही है भाई ने जाते निमाराणी तो छाती अंदर यार भाई आए करते यार। और एक बार जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ये देखिए तूने भाई हैं मुस्लिम है ना, क्या हो गया? मुस्लिम तो बात अलग है, लेकिन मुस्लिम में कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया का थोड़ा है, बाहर का है, इंडिया का नहीं है। बेटा प्यार से समझाया ना, तेरे को समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बता मुझे। आ रही है लेकिन ये पाकिस्तान का है ना, बस बात ये है। तू समझ रहा मेरी बात को? आपने यही सिखाया क्या? तेरे बाबा ने यही सिखाया? भूल जाएगा मुस्लिम और बाहर की कंट्री का, ये कौन सा भी है तो भाई ना अपना इंसान को। इतनी मैल भरी हुई है तेरे मन में, इतनी मैल है ये कि बाहर की कंट्री का तो ये मुस्लिम है तो इससे हमने भाईचारा नहीं रखना। नहीं ऐसा तो नहीं है बेटा, इस बात को समझो, इंसान को इंसान समझो। हिंदू मुसलमान बाद में है, पहले हम एक इंसान है, उस परमात्मा ने सबको एक बनाया, हमने हिंदू मुसलमान से एक ईसाई की है, समझ आ गई? तुम ये मत देखो इसने टोपी पहनी है मुसलमान है, तो ये नहीं कह रहा था, पता है पाकिस्तान से अगर कोई भी होता है। नहीं बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी हमारा भाई है, कल हम जाएंगे तो वो हमें इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि ये हिंदू है, ये सरदार है, इसको ऐसे करो? नहीं बिल्कुल ठीक है बेटा, ऐसे कुछ नहीं करना। थैंक यू। एक साथ मिलके रहते हैं, एक साथ एक दूसरे के त्योहार में हम शरीक होते हैं, बट ये पाकिस्तान से तो मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान से तो क्या होगा यार, ये तो बता। आप अपनी उंगली काटो, इसकी उंगली काटो, ब्लड मिलाओ, पता चल जाएगा, ब्लड मिलाओ आपको पता चल जाएगा क्या है। कमाल कर रहे हो यार आप, जैसों की वैसे इंडिया बदनाम हो रही है, इंडिया में लोग थू कर रहे हैं कि इंडिया में ये है, वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, समझे ना। अगर वो पाकिस्तान से है तो वो भी तो हमारा भाई बंधु है, क्या भाई बंधु है हमारे, वो क्या वो अपने अपने पाकिस्तान में क्या बताएगा जाके, यही करेगा ना कि हाँ भाई बाकी नेचुरल वो होती है, जाति होती है वहाँ इंडिया में, ऐसा नहीं है ना भाई, ये भी हमारा भाई बंधु है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खुद आर्मी से रिटायर हूँ, मैंने खुद सेवा की है, हम एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, और आप जैसों की वजह से हम जलील होते हैं, इंडिया जलील होता है, इंडिया बदनाम होता है, बदनामी हो रहा है और क्या, ये कहते ऐसे थोड़ी होता है भाई। इंडिया पे जो कलंक लग रहा है कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, ये आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की वजह से, पाकिस्तानी ऐसा नहीं होता, ऐसे कोई कोई अच्छा भी होता है इसमें, ये नहीं, ये भी हमारे भाई बंधु हैं, अगर हम इनके देश में जाएंगे तो ये भी तो हमारा रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप करोगे पहल आपकी तरफ से होनी चाहिए जी, समझे जी। सॉरी शुक्रिया भाई, वैसे मुझे पता है जब तक आप जैसे लोग हमारे देश में, हमारा इंडिया का भी बदनाम नहीं हो सकता। एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कैमरा लगा ये लगा तो तो मोस्ट वेलकम यार, खूब आओ, खूब मिलो, हम लोग से प्यार देना जानते हैं और प्यार बांटना जानते हैं, हमारे दिलों में किसी के लिए भी कोई मैल नहीं होता है।
सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कैमरा लगा हुआ है सामने यार, तो देख रहा था कि यार हमारे देश में पाकिस्तान के गेस्ट सेफ है या नहीं है। तो भाई हमारे देश में बहुत ज्यादा सेफ है, आओ यार दिल से आओ। तो आपके लिए भी दिल से सल्यूट यार, इन्हें ये ऐसा लग रहा था मेरा सिर्वर फाड़ देंगे। हमें तो खुद देखना चाहिए ना, हम किसी के देश में हम किसी को अच्छा इज्जत देंगे तभी तो हम कहीं जाएंगे तो किसी को मिलेगा ऐसा रिस्पेक्ट। यही सोचे कि मतलब बस यही है कि जब तक आप प्यार दोगे नहीं ना तब तक आपको प्यार मिलेगा भी। और हमेशा देने की कोशिश करो, लेने के लिए बारे में तो तुम सोचो ही मत, पहले तो तुम दो तभी तो तुम उससे लोगे, पहले तो दो जितना दे सकते हो उतना दो तुम खुलकर दिल से लोगे। देखा कितनी अच्छी बात हो रही है, तो ये हमारा असली इंडिया है। तो मेरी साइड से जय हिंद जय भारत। बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान कितना प्यारा देश है कि यहाँ पर सबको अपने गले लगाते हैं, अपना हो या पराया हो, तो आप दिल से सलूट करते हैं। और एक बात बताऊं, ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बीजी आप भी आ जाओ, हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैमरा लगा हुआ है कि मैं दिखा रहा था कि हमारे देश में ना सबका वेलकम होता है यार, और हमें हमारे घर वालों ने हमेशा से सिखाया है कि प्यार दो, और इंडिया में मोस्ट वेलकम है यार, खूब आओ और खूब मिलो लोगों से।